हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 10th चैप्टर। जो अपना आखिरी चैप्टर चल रहा था, अब उसके अपन और कोर्स कंप्लीशन की ओर अपन बढ़ रहे हैं, है ना। सिर्फ गिनती के 5 या 4 लेक्चर्स बचे हैं, उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन आते हैं क्या, जो इंटरनेशनल बिजनेस है जो अपन ने पढ़ा था, और डोमेस्टिक बिजनेस, इनमें डिफरेंस क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों में क्या क्या डिफरेंशिएशन है, अब वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बायर सेलर्स कौन सी नेशन को बिलोंग करते हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है कि यार जो बायर है वो और जो सेलर है वो एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब सेम नेशनलिटी वाले होते हैं। पर अगर अपन इंटरनेशनल बिजनेस में देखते हैं, वहाँ क्या होता है कि यार एक बायर अलग नेशनलिटी वाला होता है और सेलर अलग नेशनलिटी वाला होता है। नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी उस बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, मतलब उसके शेयर होल्डर्स, उसके एम्प्लॉयज, उसके क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब। तो क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस है तो उसमें नेशनलिटी स्टेक होल्डर्स की भी सेम रहेगी, है ना। जो मतलब इंडिया के स्टेक होल्डर्स है तो दूसरी साइड भी इंडिया के स्टेक होल्डर्स रहते हैं। पर अगर अपन उसमें देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, उसमें क्या होता है कि यार स्टेक होल्डर्स की नेशनलिटी भी डिफर करती है, मतलब यूएसए के स्टेक जो कंपनी उसमें स्टेक होल्डर्स अलग हो सकते हैं, और जो इंडिया कंपनी वहां के स्टेक होल्डर्स पूरे अलग हो सकते हैं। कस्टमर हिट्रोजीनियरिटी अक्रॉस मार्केट, मतलब कस्टमर कैसे हैं, हिट्रोजीनियस मतलब अलग अलग नीड है ना। जैसे अपन देखते हैं कि इंडिया में जो लोग है उनका यूज करने का तरीका अलग है। मान लो अगर कपड़े को ही देख लें अपन, तो वहाँ क्या क्या जो कपड़े हैं, जो कंज्यूमेबल्स है, जो वियरेबल्स है ना, वो लोग क्या करते हैं 1-2 साल पहने और उसको फेंक देते हैं, खत्म, कि हम नए लाएंगे नए पहनेंगे। पर इंडिया में क्या होता है, वो जो कपड़ा खरीदा वो जब तक पूरा पोछे के लायक है ना, अपन उसको पूरा जब तक पहन सकते पहन लेते, जब छूटा जाता है उसको तब एज अ पोछा, एज अ डस्टिंग उसमें यूज करके पूरा जब तक फट नहीं जाता, वॉर्न डाउन नहीं हो जाता, तब तक अपन उसको यूज करते हैं। तो क्या कस्टमर हर जगह अलग अलग होते हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में डील कर रहे हो तो कस्टमर के जो नेचर है ना वो एक जैसे मिल जाएंगे आपको, कि ठीक है इंडियन से तो एक जैसी सोच वाले लोग मिल जाएंगे। तो आप वर्ल्ड वाइड अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहाँ लोगों की सोच, जो यूज करने का तरीका, वो अलग हो जाता है। अगर अपन कार में भी देखे तो इंडिया में क्या है कि यार वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव अपन करते हैं, और जो बाहर है आउट ऑफ इंडिया राइट हैंड साइड ड्राइव होती है। तो ये क्या है, कस्टमर आपको अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो हिट्रोजीनियस मिलेंगे, मतलब अलग अलग। डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, मतलब अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या जो बिजनेस सिस्टम रहता है, जो बिजनेस के थोड़े मोटे रूल्स होते हैं, या कुछ वो बोलते हैं ना अपन, क्या ये चला ही आ रहा है, ऐसा ही होता है हमारे बिजनेस में, तो वो क्या है, वो अगर डोमेस्टिक बिजनेस है तो उनको दोनों को पता रहता है, बायर और सेलर को, कि ठीक है यही बिजनेस सिस्टम है और यही बिजनेस प्रैक्टिस है, तो ऐसा ही होता पूरे मार्केट में, इंडियन मार्केट में तो ऐसा ही होता है। पर जब इंटरनेशनल अपन मार्केट की बात करते हैं तब क्या है कि यार जो बिजनेस सिस्टम्स और प्रैक्टिस है मार्क के अलग हो सकते हैं और इंडिया के अलग हो सकते हैं, तो उससे क्या डिफरेंस, तो उसमें अंतर ज्यादा होता है। फिफ्थ क्या, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। पॉलिटिकल सिस्टम अगर अपन डोमेस्टिक बिजनेस में देखते हैं तो उनको सेम पॉलिटिकल सिस्टम मिलता है, ठीक है, कि इंडिया में है तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उनको सिर्फ उसका ही ध्यान रखना है। पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप, तो अगर आप इंडिया से यूएस से भेज रहे हो तो आपको उसमें इंडियन पॉलिटिकल मार्केट का तो ध्यान रखना ही है, पर यूएसए की जो पॉलिटिकल वो है सिस्टम है, यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम का भी ध्यान रखना है कि यार अभी जो नई गवर्नमेंट है ये वो मतलब इम्पोर्ट करने में हेल्प कर रही है कि नहीं, वरना वो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, या ऐसा कुछ भी जो भी रहता है वो आपको पूरा ध्यान में रखना है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या मोबिलिटी, मतलब आप उसको मूव कर सकते हो कि नहीं, है ना। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मतलब लेबर है, कैपिटल है, ये है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मोबिलिटी मतलब मोबाइल, आप मोबाइल इधर से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, इसमें भी क्या है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव कर सकते हो कि नहीं। तो ये लोकल मार्केट मतलब अपने डोमेस्टिक बिजनेस में पॉसिबल है कि आप उसको मूव कर सकते हो, पर उसमें अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें वो पॉसिबल नहीं है कि आप मोबिलिटी ऑफ ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर पाओ। बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, इसमें क्या डोमेस्टिक रेगुलेशंस और पॉलिसी लगते हैं अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, पर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल वो है
रेगुलेशन से, जो इंटरनेशनल रूल्स है ना, मतलब दोनों कंट्री के फिर रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, एक इंटरनेशनल रूल्स भी आपको देखने पड़ेंगे। करेंसी यूज इन द ट्रांजेक्शन इन डोमेस्टिक बिजनेस में कैसी करेंसी यूज होती है? डोमेस्टिक करेंसी मतलब जो इंडिया में इंडियन रुपीज, अगर आप यूएसए में कर रहे हो तो यूएसए के डॉलर, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस केस में कैसी फॉरेन करेंसी यूज आएगी, है ना, अपनी अपनी इंडिया की करेंसी नहीं, अपने को फिर डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने का, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो उसके बेनिफिट क्या है नेशन को, अपने जो इंडिया है उसको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले क्या है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप एक्सपोर्ट वहां पे करोगे, वहां से डॉलर में पेमेंट आएगा आपके पास, तो वो क्या डॉलर से पेमेंट आया वो आरबीआई रख लेती है डॉलर, और डॉलर के बदले आपको क्या करती है रुपीज दे देती है। तो इससे क्या हुआ कि आरबीआई का डॉलर कलेक्ट होते गए, है ना, फिर वो डॉलर का क्या यूज करेगी आरबीआई, उससे क्रूड ऑयल खरीदेगी, है ना, जो कभी अगर इंडिया में कुछ फूड का शॉर्टेज हो गया कि यार यहाँ पे प्याज मिल ही नहीं रहे तो प्याज इंपोर्ट कराएगी, कभी दाल इंपोर्ट कराएगी, तो उससे क्या जो कंट्री है वो अपने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स है, मतलब जो इम्पोर्ट्स कराने ही है ना, क्रूड ऑयल तो कराना ही है क्योंकि यार इंडिया अपनी वो कैपेसिटी से पूरा क्रूड ऑयल निकाल रही है, पर तो भी ये सफिशियंट नहीं है, तो आपको इम्पोर्ट कराना ही पड़ेगा। तो क्या अगर आप ज्यादा वो करोगे ना एक्सपोर्ट, तो उससे आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, उसको आप दूसरी चीज खरीदने में यूज कर सकते हो। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या आपके पास जो रिसोर्सेज, मान लो कि जापान के पास इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने के अच्छे रिसोर्सेज है, और इंडिया के पास एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स जो है ना, गेहूं हो गए, राइस हो गए, ये सब उगाने के अच्छे रिसोर्सेज है, तो क्या करेगी जापान बोलेगा कि यार मैं इलेक्ट्रिक गुड्स अच्छे से बना लेता हूँ, तो मैं वो गुड्स बना के आपको भेज दूँ, आप एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान, तो एग्रीकल्चर जो उग रहे हैं गुड्स उग रहे हैं वो आप उगा के आप मेरे पास भेज दो। तो इससे क्या होगा कि आप मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो जिस चीज में अच्छा है उससे वो काम कराओ। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ होगी अगर अपने इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वो होगा फॉरेन ट्रांजेक्शंस बढ़ेंगे, तो उससे इंडिया की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि नई नई जो फर्म्स यहाँ पे बनेगी, है ना, नई नई फर्म्स खुलेगी एक्सपोर्ट के लिए, तो उससे क्या एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब क्या इंडिया वाले अगर ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, ठीक है, अगर आपने ज्यादा कमाया तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जो अपन रहन बोलते हैं ना, रहन सहनी, है ना, आपकी रहने का तरीका वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपकी नेशन में जो लोगों का रहने का तरीका वो हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। ये क्या पढ़ा, क्या नेशन मतलब अपने देश को क्या फायदा होगा अपन इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, अपन पढ़ते हैं कि यार अपनी फर्म जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या फायदा होगा अगर अपन इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट फॉर हाइयर प्रॉफिट, अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी देख सकते हो कि कहीं इंटरनेशनल उसी जगह जहाँ पे उनका हाइयर प्रॉफिट हो पाए, ठीक है। सेकंड क्या, इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कि मान लो आपके पास एक ऐसा मतलब प्लांट है, पूरा वो है फैक्ट्री है, उसमें आप दिन का 1000 या 2000 गुड्स बना सकते हो, 2000 बना सकते हो, पर बाजार में उसकी डिमांड, अभी इंडियन बाजार में उसकी 1000 यूनिट्स की डिमांड है पर डे, तो आप क्या करोगे कि यार जो 1000 है इतना ही बनाओगे, अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक पे डील कर दो तो आपको 1000 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही 1000 मांग रहे, तो आप 1000 ही बनाओगे, पर आपकी कैपेसिटी कितनी है 2000। पर अगर आप फिर इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन में भी चले जाते हो कि यार ठीक है 1000 में डोमेस्टिक सेल कर दूंगा और 1000 में बाहर कहीं आउट ऑफ इंडिया सेल करूंगा, तो इससे क्या हुआ आपकी जो पूरी कैपेसिटी थी, जितना पूरा अपनी कैपेसिटी थी आपका, जितना पूरा वो था ताकत थी, आपने पूरी लगा दी और 2000 बनाए, उससे क्या हुआ इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब जितनी भी आपकी कैपेसिटी थी वो आपने यूटिलाइज कर ली। थर्ड क्या, प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, मतलब अब आपके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास अब डोमेस्टिक में तो आप डील कर ही रहे हो, अब आप इंटरनेशनल भी डील कर रहे हो, तो इसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। वे आउट फ्रॉम इंस्टेंस कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट, कभी अगर मान लो ऐसा होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन हो गया, आप जिस इंडस्ट्री में थे ऐसे बहुत सारे लोग आ गए उस इंडस्ट्री में, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी हो तो उसमें क्या है कि आप जो डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो आप उसको छोड़ के आप सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस से भी डील करोगे,
तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको फिर कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, ऐसी जरूरत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यार आप इंटरनेशनल बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप उनको बाहर वालों को सेल करके अपनी फैक्ट्री चला सकते हो। इम्प्रूव बिजनेस विजन, मतलब कि अब आप पूरे वर्ल्ड वाइड, आपका विजन क्या है, विजन मतलब कि सोच, आपकी अब सोच क्या है कि मेरे को पूरे वर्ल्ड में जो गुड्स बना रहा हूँ मैं, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल, मैं ऐसे ऐसे गुड्स बनाऊँ जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो अब अपना विजन क्या, आप पूरे वर्ल्ड को लेके हो गया। पहले से हम इंडिया इंडिया सोचते थे, या अपने स्टेट स्टेट, या अपनी सिटी सिटी। अब क्या सोच रहे हैं अपन, पूरे वर्ल्ड, कि मैं ऐसे गुड्स बनाऊं जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब यूएसए में भी वो लोग को अच्छा लगे, रशिया में भी अच्छा लगे, चाइना में भी अच्छा लगे, जापान में, अफ्रीका, हर जगह वो गुड्स लोगों को अच्छा लगे। मेरा विजन क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ये क्या अपना सेकेंड लेक्चर आज बस खत्म हो गया, ये अपन ने पढ़ लिया बेनिफिट्स। अब कल अपन पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट के क्या प्रोसेस है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।